Sometimes it's hard to choose between the beach and the mountain for a vacation. But there is another way. You can choose a place where you can swim in the ocean and hike a mountain on the same day. Hi everyone, I'm Mosmi and welcome to Edinburgh. एडिनबरा और कल मैंने ओल्ड सिटी और कैल्टन हिल एक्सप्लोर किया है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, मैं उसका लिंक अटैच कर दी हूँ, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कल एडिनबरा में लैंड किया, देन मैं ओल्ड सिटी के हिस्टोरिक एंड फोटोजेनिक गलियों को एक्सप्लोर करी, देन मैं कैल्टन हिल में जाके एडिनबरा सिटी का 360 व्यू एंजॉय करी। सो आज का मेरा डे स्टार्ट होने वाला है ये एक हाइकिंग से और एंड होगा अटलांटिक ओशन के एक बीच पे। सो इट्स गोना बी ए लॉन्ग डे क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली हूँ। सो पहले जाने वाली हूँ मैं एक वोल्केनिक हाइक के लिए, देन मैं जाने वाली हूँ ब्रिटेन के महारानी का महल देखने, उसके बाद मैं जाऊँगी स्कॉटलैंड पार्लियामेंट देखने। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये जो पार्लियामेंट है इसको बनाने का कॉस्ट अराउंड 415 मिलियन पाउंड। सो वो देखने जाऊंगी एंड उसके बाद मैं जाने वाली हूँ म्यूजियम, स्कॉटलैंड का म्यूजियम, एंड देन लास्ट में मैं जाने वाली हूँ बीच पे। पीछे वो जो दिख रहा है वो है आर्थर सेट और अभी मुझे वहाँ तक जाना है ट्रैकिंग कर। इस पार्क का नाम है हॉलीवुड पार्क और यही से आर्थर सीट के लिए हाइकिंग स्टार्ट होता है। आर्थर सीट 350 मिलियन ईयर्स पहले का वोल्केनिक इरप्शन है और वहाँ चढ़ने के लिए मुझे अभी लगेगा अराउंड 1 आवर और वहाँ से ऊपर से 360 डिग्री व्यू, पूरा पैनारोमिक व्यू दिखता है एडिनबरा सिटी का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अभी यहाँ पे आज थोड़ा क्लाउडी है और वेदर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। बजे है 9:30 तो मैं इसे पूछोगे कि कैसा था तो मैं बोलूंगी बहुत अच्छा था। अभी मैं आई हूँ ब्रिटेन की महारानी के महल में, इसको बोलते हैं पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस। सो ये है ब्रिटेन की क्वीन का स्कॉटलैंड वाला घर, यहाँ पे वो आई थिंक जुलाई और अगस्त में 15 डेज के लिए रहने के लिए आती है। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, इधर यू कैन बुक फॉर्म ऑनलाइन और सामने से भी ले सकते हो।
टिकट्स के साथ आपको मिलेगी एक ऑडियो गाइड है, ऑडियो गाइड जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन होंगे रॉयल फैमिली के करंट लाइफस्टाइल से लेके रॉयल हिस्ट्री तक का टूर आप इंजॉय कर सकते हो। स्कॉटिश पार्लियामेंट और अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे ही स्कॉटिश पार्लियामेंट देखने के लिए और ये सबसे प्राइम लोकेशन है। तो यहाँ पे एक साइड है हॉलीवुड हाउस, उसके फ्रंट में है स्कॉटिश पार्लियामेंट और पीछे है आर्थर सीट जो मैं आज सुबह गई हुई थी। अभी मैं आ गई हूँ स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंदर। सो ये है अंदर से, ऐसा दिखते हैं स्कॉटलैंड का पार्लियामेंट कैसा दिखता है। ये जो स्कॉटलैंड का पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कुछ ही साल पहले बनाया गया है और इसका आर्किटेक्चर एडिनबरा सिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड न्यू है। अगर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर पसंद है यू विल बी फैसिनेटेड बाय दिस बिल्डिंग। अभी मैं बैठी हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। अगर आप स्कॉटिश कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री उसमें इंटरेस्टेड हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। पोर्टोबेलो में, ये मेन सिटी सेंटर से 2 miles दूर है और यहाँ आने के लिए मैंने मेन सिटी सेंटर से बस लिया। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Portobello Beach is a long sandy beach located on the shore of North Sea और इसके पानी का कलर डार्क ब्लू एंड काफी क्लीन है। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.